हेलो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं कंपनी लॉ कंपनी लॉ के अंदर आज का जो हमारा लेक्चर नंबर है वो है लेक्चर नंबर नाइन्थ ओके अगर आपने इससे पहले जो आठ लेक्चर अपलोड किए वो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है लेक्चर नंबर नाइन्थ के अंदर आज हम देखने वाले हैं सेक्शन नंबर ट्वेल्व हाँ जी कंपनीज एक्ट टू की धारा बारह यानी कि सेक्शन ट्वेल्व रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए जहाँ से हम पत्र व्यवहार कर सकें लेटर्स वग़ैरह भेज सकें यस yes, अब कौन कौन कैसे कैसे आइए जानते हैं सेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है सिक्स टू प्रोवाइड फॉर द रजिस्टर्ड ऑफिस ये बताता है कि हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए और उसका एड्रेस जो भी उस कंपनी से कम्युनिकेट करने वाले लोग हैं उनके पास होना चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी पार्टी को आर को गवर्नमेंट को अगर कंपनी से कोई कम्युनिकेशन करना है कोई पत्राचार करना है कोई लेटर भेजना है तो उस ऑफिस पर भेजे और वहाँ पर कोई ना कोई पर्सन उन र, लेटर्स को उन पत्रों को रिसीव करने वाला भी होना चाहिए यानी कि फिजिकल ऑफिस की बात चल रही है ओके तो पढ़ लेते हैं सेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 थाउजेंड थर्टीन सिक्स टू प्रोवाइड फॉर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनीज फॉर द कम्युनिकेशन रजिस्टर्ड ऑफिस किस लिए कम्युनिकेशन के लिए एंड सर्विंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट नोटिस एंड लेटर्स कोई कम्युनिकेट करना हो कोई लेटर भेजना हो कोई नोटिस भेजना हो है ना तो उसके लिए एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए और उसका एड्रेस कंपनी को जारी करना चाहिए ये बताता है सेक्शन नंबर ट्वेल्व अगर आप इस सेक्शन को फॉलो नहीं करेंगे तो भैया पेनल्टी तो लगेगी ओके इट कुड बी डिफरेंट फ्रॉम हेड ऑफिस और कॉरपोरेट ऑफिस ये जो यहाँ पर बात चल रही है रजिस्टर्ड ऑफिस की ये हेड ऑफिस से और कॉरपोरेट ऑफिस से अलग हो सकता है ओके okay. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग द जुडिशन ऑफ द कोर्ट कि भैया आपकी जो कंपनी है वो कौन से जुडिशन के एरिया में आती है वहाँ पर कौन सी न्यायपालिका लगेगी वो डिसाइड करने में ये रजिस्टर्ड ऑफिस बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है अदा करता है ओके और क्या क्या है चलिए अभी तक बिल्कुल सिंपल रहा ना कि रजिस्टर्ड ऑफ़िस होना चाहिए ताकि कोई लेटर नोटिस कोई कम्युनिकेशन किया जा सके अब रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस हैं हाँ जी ये रजिस्टर्ड ऑफिस जिस दिन आपने डिक्लेयर किया जिस दिन कंपनी ने बोला कि भाई ये हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है इसका ये एड्रेस है तो उसकी जानकारी आर को तीस दिन के अंदर दी जानी चाहिए एक तो ये है और दूसरा ये है कि जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ यानी कि कंपनी का क्या हुआ सम्मामेलन हुआ सम्मामेलन। जिस दिन कंपनी को उसके बर्थ का सर्टिफिकेट मिल गया उस सर्टिफिकेट मिलने के तीस दिन के अंदर अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए वो कंफर्म हो जाना चाहिए ओके नेक्स्ट वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन अ पीरियड ऑफ थर्टी डेज ऑफ इट्स इनकॉरपोरेशन जिस दिन कंपनी का इनकॉरपोरेशन हुआ उसके तीस दिन के अंदर वेरिफिकेशन भी हो जाना चाहिए कि ये हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है आर ओ सी जी और आर ओ सी आर ओ सी को उसकी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को कंपनीज़ को जो है उसकी सूचना दे दी जानी चाहिए लेबलिंग ऑफ अ कंपनीज अब जो एड्रेस है ना उसको पेंट करवाओ या अफेक्ट्स करवाओ उसके नाम को एंड एड्रेस को इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस जितने भी रजिस्टर्ड ऑफिस हैं या कॉरपोरेट ऑफिस हैं उन सभी ऑफिस के बाहर कंपनी का नाम और उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस पेंट करवाओ या फिर चिपकाओ ओके हैव इट्स नेम प्रिंटेड ऑन और कहाँ कहाँ अगर कोई हंडीज है कोई प्रोमेसरी नोट्स हैं कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है कोई बिजनेस लेटर्स हैं कोई बिल बिल हेड्स हैं इन सब जगह कंपनी के एड्रेस के नाम को छपवाना चाहिए प्रिंट करवाना चाहिए ओके आगे ये तो हो गया और समझ में आ गया और क्या लिखना होता है इसके अंदर और हमें लिखना होता है अगर आप अपने ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस का अगर चेंज कर रहे हो रजिस्टर्ड ऑफिस जो है उसका नाम चेंज कर रहे हो नेम चेंज बाय द कंपनी वेर अ कंपनी हैज़ चेंज इट्स नेम ड्यूरिंग ही लास्ट टू ईयर इट्स सेल पेंट और अफिक्स अलोंग विथ इट्स नेम अगर एड्रेस चेंज करवाया है उसका आगे बताऊंगा कोई नेम चेंज हुआ है एड्रेस के अंदर कुछ आपने चेंज करवाया है, है ना तो फिर उसको आपको प्रिंट कराना पड़ेगा और उसको दिखाना पड़ेगा कब तक दो साल तक ओके नोटिस ऑफ चेंज टू रजिस्टर यस अगर कोई चेंज हुआ है रजिस्टर ऑफिस में तो उसका नोटिस रजिस्ट्रार यानी कि आर रजिस्टर ऑफ कंपनी को दिया जाना चाहिए विद इन थर्टी डेज ऑफ द चेंज कि हाँ भाई हमने ये थोड़ा चेंज करवाया है उसकी सूचना आर को देनी होगी और दो साल तक उसको पेंट करके भी रखाना पड़ेगा प्रिंट करके अफेक्ट्स करके भी रखाना पड़ेगा पहले ये नाम था अब ये कर दिया ऐसा बताना पड़ेगा ओके okay. आगे आगे आता है मेन जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ये जो मैंने डायग्राम लिया है ये आई सी आई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की बुक से मैंने लिया है ठीक है स्क्रीन शॉट लेके लिया है ओके अब देखिए यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी सेक्शन ट्वेल्व चेंज इन प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आप जो है अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह चेंज कर रहे हो पहले यहां था अभी उसको दूसरी जगह ले जा रहे हो हाँ तो इसमें आपको और क्या क्या करना होता है किसको नोटिस देना होता है क्या करना होता है तो देखिए सबसे पहला इन अ सिटी एक ही शहर में एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में आप ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो रजिस्टर्ड ऑफिस तो तो आपको क्या करना है बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बी ओ डी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा प्रस्ताव पास करना पड़ेगा और नोटिस देना पड़ेगा आर को तीस दिन के अंदर अंदर सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होगी डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी उसमें बी पास करना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग के अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और आर को तीस दिन के अंदर, अंदर अंदर बताना पड़ेगा कि हमारा ऑफिस जो है इस कॉलोनी से इस कॉलोनी में शिफ्ट हो गया है नेक्स्ट अगर आप चेंज कर रहे हैं विद इन अ स्टेट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर एक ही राज्य के अंदर एक शहर से दूसरे शहर में ले जा रहे हैं जैसे राजस्थान के अंदर है तो आप जोधपुर से जयपुर ले जा रहे हैं तो इस तरीके से अगर आप चेंज कर रहे हैं स्टेट एक ही है सेम है लेकिन सिटी अलग है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा ए जी एम के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन यानी विशेष प्रस्ताव पास कराना पड़ेगा ये बी ओ डी था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग थी यहाँ पर ए जी एम के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा के उसका नोटिस 30 दिन के अंदर अंदर आर को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देना होगा ओके यहां देखिए विद इन स्टेट एक ही स्टेट में एक सिटी से दूसरी सिटी में ले जा रहे हैं ऑफिस को बट आर का जो एरिया वो चेंज हो रहा है यहां पर क्या था जो भी दो स्टेट जो भी दो सिटी थी एक ही स्टेट के अंदर जैसे राजस्थान के अंदर जोधपुर और जयपुर लेकिन जोधपुर और जयपुर में दोनों में आर एक ही लगता है और रियल में ऐसा ही है चाहे आप जोधपुर में हो चाहे आप जयपुर में आर ओ एक ही है दोनों का तो तो ये हो गया लेकिन यहाँ क्या हो रहा है स्टेट एक है लेकिन जो सिटी है वो जो दोनों सिटी उन दोनों के आर अलग अलग हैं फ्रॉम वन आर ओ सी टू अनदर सिटी चेंज होते आर ओ सी अगर चेंज हो गया है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज चेंज हो गया है तो एजीएम के अंदर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा परमिशन लेनी पड़ेगी रीजनल डायरेक्टर की और तीन नोटिस देने पड़ेंगे एक रीजनल डायरेक्टर को नोटिस देना पड़ेगा तीस दिन के अंदर कंफर्मेशन देना पड़ेगा साठ दिन के अंदर आर को नोटिस देना पड़ेगा तीस दिन के अंदर और इसके कंक्लूसिव एविडेंस रखने होंगे कि ये नोटिस हमने दिए हैं और स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया है अब अगर आप चेंज कर रहे हो अपना ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एक राज्य से दूसरे राजस्थान से हरियाणा या हरियाणा से पंजाब पंजाब से एमपी एमपी से यूपी ऐसा एक स्टेट से राज्य ही चेंज कर रहे हो तो आपको चेंज इन प्लेस क्लोज को ध्यान रखना होगा इस पर सेक्शन तेरह का क्लोज चार पच छः अप्लाई होता है इसमें भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बट अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का क्योंकि स्टेट चेंज कर रहे हो आप और सेंट्रल गवर्नमेंट को साठ दिन के अंदर अंदर नोटिस देना होगा इसकी सूचना देनी होगी और कंफर्मेशन देना होगा तीस दिन के अंदर अंदर फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो आपको जारी हो जाएगा इशू हो जाएगा नया सर्टिफिकेट मिलेगा फ्रेश इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके अंदर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज दिखाया हुआ होगा तो ये होता है आपका सेक्शन नंबर ट्वेल्व रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी अब हम धीरे से इस चैप्टर को छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ये वाले नोट्स चाहिए अगर आपको तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल का नाम है सी डब्ल्यू जी फोर बी कॉम जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही तब तक के लिए गुड बाय थैंक यू